जयपुर जिला प्रमुख चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद से पार्टी को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद में बहुमत होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग के कारण हार जाना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। इसके चलते गहलोत और सचिन गुट आमने सामने हो चुके हैं। गहलोत समर्थक इसमें पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को जिम्मेदार मान रहे हैं। जिला प्रमुख चुनाव में हार की रिपोर्ट कांग्रेस हाई कमान ने भी मांग ली थी, जिसे बंद लिफाफे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिल्ली भेजा गया। इस रिपोर्ट में संभवतः वेद प्रकाश सोलंकी को ही जिम्मेदार बताया गया है। अब इस मामले में वेद प्रकाश सोलंकी ने जवाब देते हुए कहा कि पार्टी के अंदर ही मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझसे राजनीतिक बदला लेने के लिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिशें कई महीनों से चल रही हैं। महिलाओं को मेरे पीछे लगा दिया गया है, कुछ महिलाओं द्वारा मुझे वीडियोज भेजे जा रहे हैं और हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।